वेलकम टू जॉग्रफी है मिशन यूपीएससी दो हजार बाईस जहाँ पे आप हर शाम आठ बजे मेरे साथ जॉग्राफी की क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं जो मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ ताकि आपकी लिए हो जाए आसान आज की क्वेज बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज जो भी हम सवाल पूछेंगे वो सब एकदम मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो आपको लगेगा कि अरे सर मैप बेस्ड क्वेश्चन जी हाँ यूपीएससी बहुत ज्यादा मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछती है अगर आप चाहें तो अपना वर्ल्ड uh, मैप और इंडिया का मैप सामने रख सकते हैं इस क्वेज से पहले चौके थोड़ा बहुत आपको हिंट वहां से मिल जाएगा अदरवाइज क्लास के बाद आप पीडीएफ तो डाउनलोड कर ही लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड होगा मेरे टेलीग्राम चैनल से और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो आप जाकर के जरूर चेकआउट कीजिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके संभाल के रखिए बाद में रिवीजन के काम आएगा पहली बार चैनल पे आए हैं दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा सपोर्ट कीजिएगा इस तरह के इनिशियटिव को जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ चलिए तो, तो फिलहाल शुरू करते हैं डे नंबर टू से पहला सवाल आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पे मान लीजिए कि आप मेडिटेरेनियन कोस्ट पे चल रहे हैं और आपने शुरुआत करी है इजिप्ट से और इजिप्ट से आप जा रहे हैं टुवर्ड्स तो मिडल ईस्ट तो बताइए कौन कौन से कंट्रीज के कोस्ट को आप टच करेंगे अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया लेकिन अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है अगर आपने आप वर्ल्ड थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए सवाल आसान होगा इजिप्ट से शुरू करके आपको जाना है मेडिटेनियन कोस्ट पे कौन कौन सी कंट्री कि बाउंड्री टच होगी कोस्ट टच होगी आपको बताना ऑप्शन इराक लेबन सीरिया और इसराइल ध्यान से सोचिए इस तरह के क्वेश्चन आए हैं इनफैक्ट 2015 के यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर आप देखोगे तो भी इस तरह का क्वेश्चन आया है यूपीएससी के बहुत फेवरेट टॉपिक्स होते हैं वाले ठीक है तो देखो भाई जब और मैं मैप पे भी आपको साथ में समझाऊंगा प्लीज अपना मैप अपने सामने रखिएगा वर्ल्ड मैप और इंडिया दोनों का मैप अपने सामने रखिएगा तो यहाँ पे ये आपका जो सवाल है ना फर्स्ट स्टेटमेंट बस फर्स्ट ऑप्शन गलत है इराक ऐसा इराक ऐसी कंट्री है जिसकी बाउंड्री आपकी मेडिटेरेनियन पे टच नहीं होती बाकी तीनों सही आंसर होंगे यानी कि टू थ्री एंड फोर विल बी द राइट आंसर जरा देखिए मैप पे देख करके आपको बेटर समझ में आएगा यहाँ इजिप्ट से आपने शुरू किया तो सबसे पहले तो ये वाली जो कोस्ट लाइन है ये इसराइल की आपको मिलेगी इसराइल से ऊपर जाओगे ये वाला पार्ट आपको लेबन का मिलेगा और यहाँ पे ये पार्ट आपको सीरिया इराक ऑब्वियसली काफी इंटीरियर में जाकर के है तो इराक की बाउंड्रीज मेडिटेरेनियन के साथ है ही नहीं सवाल ऐसा भी आ सकता है कि भाई आ, कौन कौन से कंट्री अच्छा यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए चलो इराक तो फिर भी दूर है ऑप्शन में अगर जॉर्डन होता तो आप और ज्यादा कंफ्यूज हो सकते थे बिकॉज इराक का तो लगभग सबको पता है काफी अंदर है जॉर्डन में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है पर मैं आपको बता दूं कि जॉर्डन की ना बाउंड्री टच नहीं होती है देखिए यहाँ यहीं से जॉर्डन के बाद तो इसराइल है इसराइल की बाउंड्री टच होती है लेकिन जॉर्डन को लैंडलॉक मानने की गलती मत कीजिएगा क्योंकि रेड सी को कनेक्ट यहां से ये पार्ट कनेक्ट होता है जॉर्डन का तो जॉर्डन हमें कई बार लगता है लैंड लॉकड बट लैंड लॉकड नहीं है दोस्तों इसी तरह से इराक को भी लैंड लॉकड मत समझिए इराक इज आल्सो नॉट लैंड लॉक्ट कंट्री इसकी भी आप देखोगे मैप पे तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ में हल्का सा पार्ट ओपन होता है तो so, जॉर्डन और इराक लगते हैं लैंडलॉक बट दे दे आर नॉट हैव एक्सेस टू सी तो यहाँ पे आपको राइट आंसर आपका मिलेगा क्वेश्चन नंबर टू बड़ा सिंपल सा सवाल है ये भी थोड़े मिडल ईस्ट के आसपास का सवाल है तो so, ये कुछ कैपिटल सिटीज आपको दी हैं आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन कौन सी कैपिटल सिटी मिडल ईस्ट कंट्रीज की जो एग्जैक्टली पर्शियन गल्फ पे है या पर्शियन गल्फ के बहुत ज्यादा क्लोज है आपको बतानी दें तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए पहली बात तो कि भाई कौन सी आ, आ, कंट्री का क्या कैपिटल है कैपिटल नहीं पता तो फिर सॉल्व नहीं होगा ऑप्शन है मस्कट रियाद रियादाबी दोहा तो आपको पता होना चाहिए भाई किसका क्या है अब मस्कट है आपकी ओमान की हो गई रियाद है आपकी सऊदी अरेबिया की हो गई आबुधाबी आपकी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की हो गई दोहा आपकी बह, आ, कतर की हो गई राइट तो अब आपको बताना है कि सर इसमें पर्शियन गल्फ पे कौन कौन सा होगा देखिए जरा यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा ना दैट हैज़ बी ए ये दोनों नहीं है पहली बात तो रियाद रियाद तो है ही नहीं किसी कोस्ट पे नहीं है तो एकदम लैंडलॉक्ड है अंदर इंटीरियर में जा करके और मस्कट जो है वो पर्शियन गल्फ पे ना होकर के गल्फ ऑफ ओमान में आपको देखने को मिलेगा देखिए जरा मैप चेकआउट कीजिए अपना तो ये मस्कट है ओमान की कैपिटल ये गल्फ ऑफ ओमान के कोस्ट पे पड़ती है पर्शियन गल्फ ये अंदर वाली ठीक पर्शियन गल्फ में अगर हाँत सिटी ऑप्शन होता तो बिल्कुल होता सिटी इसका आंसर आ जाता दोहा है, दोहा दोहा है अगर आप देखोगे तो दोहा बिल्कुल ही करीब है ये कतर है हमारा तो कतर की कैपिटल दोहा इसके बिल्कुल करीब है अबू धाबी अगर आप देखोगे दैट इज द कैपिटल ऑफ यू ये भी एग्जैक्टली exactly, ये तो कोस्ट पे ही है पर्शियन गल्फ के रियाद काफी अंदर जाकर के तो रियाद ऑप्शन नहीं होगा मस्कट नहीं होगा दोहाबुधी right so, so, तो सबसे आसान सवाल है आज का आप मुझे बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इक्वेटर जो है वो बिल्कुल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के मिडिल से जाती है अफ्रीका एकलौता कॉन्टिनेंट दुनिया का जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन तीनों पास होती है ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जो पूरा सदर्नोस्फेर में लाइ करता है मेरे ख्याल से सबसे आसान सवाल है जल्दी से आंसर बताएं इसका क्या होगा ए बी सी या डी नीचे कमेंट्स में तो आप आंसर डालते रहें क्वेश्चन नंबर डाल करके और अगर कोई डाउट भी है मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में तो आप ड्रॉप कीजिएगा जब मैं बाद में कमेंट्स रीड करूंगा तो आपके सवालों का जवाब भी दे दिया जाएगा यहां देखो यार तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आंसर होगा डी दैट इज एप्सोल्यूटली करेक्ट अगर आप थोड़ा सा भी इसको मैप पे देखोगे तो आपको एकदम नजर आएगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे और ये है, मैं बता अदरवाइज कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जहां पे तीनों एक साथ पास होती है और ये ऑस्ट्रेलिया को बीच में से ऑलमोस्ट मिड से कट करती है ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन इस बात पे भी ध्यान दीजिए देखो मैप एक ऐसी चीज है जितना आप ऑब्जर्व करोगे अगर आपको हैबिट है ना आप मेरे कहने से आप हर रोज ज्यादा नहीं सिर्फ दस मिनट अपने मैप के साथ लगाया करो दस मिनट के लिए आप बस मैप को ऑब्जर्व करो देखना आपको खुद ब खुद कितनी कितनी नई नई चीजें पता चलेंगी कि ये ऐसा भी होता है यहाँ पे ये चीज है वो चीज है तो आपके पास ना दस मिनट का टाइम आप जरूर मैप पे स्पेंड किया करो ठीक है दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट और अब तो यूपीएससी बहुत पूछता है सवाल प्लेसिज इन न्यूज करके बहुत आता है ठीक है मैप बेस क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर इंडियन जोग्रफी के ऊपर है यहां पे ना आपको अरेंज करना है ईस्ट टू वेस्ट अगर आप यहाँ करेंगे ईस्ट टू वेस्ट आएंगे तो किस किस सीक्वेंस में आपको महादेव हिल्स मालवा प्लेट्यू और अरावली मिलेंगे अगर आपने नहीं करी है प्रैक्टिस अगर आपने प्लेट्यूज ऑफ इंडिया माउंटेन्स ऑफ इंडिया ये सब अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो फिर ये सॉल्व नहीं हो सकता भाई ठीक है ना तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मैप प्रैक्टिस करते रहे और अगर आपको अगर आप चाहते हैं कि मैं मैप प्रैक्टिस का कोर्स लेके आऊं अगर अलग से आप चाहते हैं कि सर मैप मार्किंग करा दीजिए इंडिया और वर्ल्ड की तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन बॉक्स में यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा यही सीक्वेंस है वन टू थ्री सी आंसर इसका आपका राइट होगा उसका देखिए रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ अगर आप ईस्ट टू वेस्ट आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके महादेव हिल्स आएंगे जो सतपुड़ा के ही एक्सटेंशन माने जाते हैं फिर आपका बीच में आएगा मालवा प्लेट्यू यहाँ पे नंबर टू पे और फिर अरावली तो आपका बिल्कुल वेस्ट में हो गया ठीक है मैप जितना पढ़ोगे जितना मैप के ऊपर चीजें ढूंढोगे और मैप ढूंढने से ज्यादा जो खुद प्रैक्टिस करोगे ना ब्लैंक मैप ले लो ब्लैंक मैप के ऊपर खुद से मार्क करना स्टार्ट किया करो चीजें आपको ज्यादा जल्दी और ज्यादा लॉन्ग टर्म में याद रहेगी तीसरा पांचवा और आखिरी सवाल आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका दिस इज अबाउट सिक्किम तो स्टेट ऑफ सिक्किम बताओ कौन कौन से इंडियन स्टेट के साथ उसकी बाउंड्री टच होती है वेस्ट बंगाल अरुणाचल असम या फिर उत्तर प्रदेश बड़ा बेसिक सवाल है कि सिक्किम की बाउंड्री कहाँ कहाँ टच होती है दोस्तों और साथ ही साथ में इतने आप आंसर दें आप नोट डाउन कर लीजिएगा ये रेफरल कोड है आशीष मलिक इस रेफरल कोड को आप यूज कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए जहाँ पे टेन परसेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा इसका राइट right आंसर देखिए भाई सिक्किम जो है ना इट टचेज ओनली वन इंडियन स्टेट सिर्फ एक ही स्टेट को टच करता है और वो है वेस्ट बंगाल जब आप मैप ड्रॉ करते थे सिक्किम का इस तरह से सिक्किम के नीचे एक ही वेस्ट बंगाल आएगा दैट इज द ओनली स्टेट जो उसको टच करेगा अरुणाचल असम यूपी नहीं आंसर विल बी ए वन ओनली बाकी सिक्किम की जो बाउंड्री है वो सब इंटरनेशनल बाउंड्री अगर आप देखोगे ना तो सिक्किम का पूरा फुल ऑन इंटरनेशनल बाउंड्रीज आपका रहता है ये आपका नेपाल के साथ टच कर रहा है सिक्किम ये भूटान के साथ टच कर रहा है और ऊपर वाला जो पार्ट है ये चाइना के साथ में टच कर रहा है देखो यार तीन तीन इंटरनेशनल बॉर्डर है सिक्किम की और ये नीचे वाला जो बाउंड्री है चौथा जो डायरेक्शन है दिस इज वेस्ट बंगाल ये वेस्ट बंगाल को टच करता हुआ आपका आता है ठीक है ना तो राइट आंसर इसके इसमें आपका ए होगा अगर आप मैप मार्किंग में कच्चे हैं अगर आपको मैप मार्किंग मजबूत करनी है तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ एक नया कोर्स है वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो प्योरली मैप बेस्ड कोर्स होने वाला है स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट नवम्बर से शाम छह से आठ अन अकेडमी प्लस के ऊपर इसके लिए आपको बस ये रेफर कोड यूज करके अन अकेडमी प्लस को करना है सब्सक्राइब आप मेरी ज्योग्राफी की बुक आप यूपीएससी की तैयारी करें स्टेट पीसीएस की तैयारी करें वन स्टॉप सोलूशन है फिलहाल नंबर टेन पे है ऑल यूपीएससी बुक्स में वन ऑफ द बेस्ट सेलर है दोस्तों आपके ये जो बुक है आप जरूर रिकमेंड करें इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है आप जाकर के अमेजोन फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं और साथ साथ में अन अकेडमी के बैचेस भी ज्वाइन कर अन अकेडमी के ऊपर मैं लाइव पढ़ाता हूँ अन अकेडमी पर 27th से, से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं जिसके अंदर चाहे आपका टारगेट ईयर वन टू ईयर हो सब आपके लिए रहेगा खास बात यह कि इन बैचेस के अंदर जो ऑल इंडिया रैंक थर्टीन गौरव बुदानिया टॉपर है वो भी आपको पढ़ाने आएंगे इस तरह से बैचेस के अंदर जिसमें आपके ऊपर फाइव क्लासेस ऐसे की स्ट्रेटेजी और आंसर राइटिंग की क्लासेस आपको पढ़ाएंगे तो आपके पास मौका है वन टू वन इंटरेक्ट करने का वन टू वन आप इंटरेक्ट कीजिएगा टॉपर के साथ में दिस इज योर चांस और आप जो है ट्वेंटी सेवन अक्टूबर के इन में वन ईयर टू ईयर दोनों बैचेज में आप आ सकते हैं आप पढ़ाई कर सकते हैं पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा चाहे आपका टारगेट ईयर दो का है तो ये आपके फैकल्टी रहेंगे इंग्लिश और बायिंग लैंग्वेजेस के लिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी एनरोल कर सकते हैं हिंदी मीडियम बैचेस भी है और अगर 2023 आप जाते हैं 2023 आपका टारगेट ईयर है तो ये आपके इंडिया के बेस्ट फैकल्टी आपको मिलते हैं दोस्तों तो फैकल्टीज हमारे पास बहुत है बस आपको सब्सक्राइब करना है अन अकेडमी प्लस को जब भी सब्सक्राइब करें और अब तो आप, अब तो एक और बेटर ऑफर है कि जब भी आ, अगर आप साथ में जीएस के साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी सब्सक्राइब करेंगे 25% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 10% आपको रेफरल कोड आशीष मलिक यूज करके मिलेगा तो ये वाली प्राइस मत पे कर देना नई ही प्राइस पे करना और अपने बहुत सारे कीमत पैसे बचाना चलिए थैंक यू सो मच मिलते हैं कल फिर से मुलाकात होगी शाम को आठ बजे थैंक यू सो मच कॉल रेस यू टेक केयर